खेतीबारी वाला ब्लॉग भी बोल सकते हैं, खेतीबारी वाला ब्लॉग पहले वही नाम से चला आते थे। अच्छा चलिए भैया, जो भी नाम हो लेकिन खेतीबारी वाला ब्लॉग से नाम से कैसा लग रहा है मुकेश भैया यहाँ पर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम तो कम से कम 5-6 घंटा से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग, पहले वीडियो देखे होंगे, अभी हम आए हुए हैं विजय भैया के यहाँ पर छठियारी में। दोस्तों यहाँ पर मुकेश भैया भी आ चुके हैं यहाँ पर। हेलो नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब बढ़िया ना भैया? बढ़िया। कब आए आप? हम सुबह में आगे रामगढ़ 5 बजे। दोस्तों हम वीडियो में देखते थे आज और सामने से देखना इतना अच्छा लग रहा है ना। सामने मतलब कुछ अलग ही फील होता है एकदम पूरा। शुक्रिया शुक्रिया। आप डेली ब्लॉग देखते हैं हम लोग, मुकेश सहनी ब्लॉग, आप लोग तो एकदम भली भांति जानते होंगे एकदम। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंसान है। तो चलिए आगे, आप नजारा देखिए यहाँ पर काफी एकदम कितना मस्त सजा हुआ। कैसा लग रहा है मुकेश भैया यहाँ पर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम तो कम से कम 5-6 घंटा से। 5-6 घंटा से आया, बहुत लेट हो गया आपका है ना? हाँ, हम तो पूरा सुबह में ही पहुँच गए थे। और देखिए यहाँ पर कितना मस्त सजाया हुआ है पूरा एकदम, इतना अच्छा मतलब ठंडा भी लग रहा है, एकदम गर्मी भी नहीं लग रहा था यहाँ पर, काफी बढ़िया लग रहा है। बाड़े वगैरह सजावट, बाड़ वाला भी सब कुछ है। और ये देखिए यहाँ पर विजय भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते। हाँ आइए सब, अभी दोस्तों अभी सब मतलब सबका अपना अपना काम में है ना भैया? सब कोई बिजी है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग बिजी हैं। हाँ ज्यादातर बिजी है। और ये देखिए, ये तो आप लोग को सब कुछ पहले दिखा दिए हैं, तो अभी मुकेश भैया से मिलके बहुत ही मस्त लगा हमको। रियल में देखे ना एकदम इतना मस्त लगता है ना, क्या ही बोले भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। अंदर से एकदम बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है और हमको थोड़ा नर्वस हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आदमी सब होता है ना। सबको बस बनाते रहिए, लगातार बस करते रहिए, सब कुछ आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। करते रहिए। हाँ वही करते रहना, कभी हार नहीं मानना जो कुछ भी हो जाए, तब क्या बिल्कुल करते रहना। हाँ भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भैया बोल दीजिए कुछ यहाँ पर हम लोग। क्या नाम है आपके चैनल का? सिंटू रेना ब्लॉग, खेतीबारी वाला ब्लॉग भी बोल सकते हैं। खेतीबारी वाला ब्लॉग पहले वही नाम से चला आते थे। अच्छा चलिए भैया, जो भी नाम हो लेकिन खेतीबारी वाला ब्लॉग से नाम से खेतीबारी वाला ब्लॉग भैया को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दबा के सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। देखिए यहाँ पर आनंद गुरु जी, सब बढ़िया ना गुरु जी? एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है ना? 2 बजे रात से जाग जाके तो आप गुरु है ना, तो आप परेशान रबे करेंगे वो तो कोई बात नहीं। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हनीदी भी पहुँच चुके हैं, रील्स स्टार, आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग एकदम भली भांति पहचानते होंगे। सब बढ़िया थी यहाँ पर, मस्त लग रहा है आके, पूरा इंजॉय कीजिए ना। क्या डुप्लीकेट लग रहा है आप लोग को? मस्त है, यहाँ वाला चोरी करके ले गए हैं क्या? चलिए आप ही ले जाओ, आप ही पहले आप ही यहाँ चोर थे, आप ही चोरी किए का निकलता भी होगा। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, रियल लग रहा है कि डुप्लीकेट लग रहा है? रियल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, ओरिजिनल पत्ता जैसा लगता है। चलिए छोड़ दी यहाँ पर, देखने तो काफी आकर्षक है ना मुकेश भैया? कल शंकर भैया थक गए का? हाँ थोड़ा बैठने उठने का भी जगह है, तो थोड़ा आराम करते हैं। अभी हम लोग टेंट फेंट से बाहर निकल चुके हैं, वहाँ पर थोड़ा गर्मी लग रहा था, तो बाहर तरफ मस्त मौसम, हवा खाने के लिए आ गए हैं। कम कैसे बाहर तरफ कैसा लग रहा है? पहाड़ देखे थे सामने, पहाड़ देखिए इतना अच्छा लगता है ना, एकदम खुला खुला एकदम मस्त हवा आता है, ठंडा ठंडा ना। अरे यहाँ के पहाड़ में ये खासियत है ना, यहाँ जाइएगा पानी पानी लेके, जब पानी वहाँ कुआं है। हाँ हाँ ऊपर हम देखे हैं, देखे आप चढ़े हैं क्या? सब चढ़े हैं ऊपर हम। हाँ तो उज्जर उज्जर सफेद सफेद दिख। हाँ हाँ कुआं है, कुआं में आप पानी उठाइएगा ना, और पानी उठाइएगा तो और रखिए ना डूबा, चाहे जो बोलते हैं ना हम डूबा, उसमें रखिएगा तो दूध हो जाता ऑटोमेटिक सच में, ये तो कमाल का है। और देखिए ऐसा पत्ता होता है, पतला पतला जो होता है, कौन सी पत्ता होता है वो पत्ता, आप ऐसा ऐसा मोटली बांधिएगा ना तो चीला बन जाता, चीला पक्का बोल दे रहे हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मतलब पहले बहुत बहुत ही पुराना पहाड़ है, आप लोग देख सकते हैं एकदम पूरा, बहुत दिनों मतलब लगता है ना एकदम मन मोह लेता है एकदम। और उधर से जानते हैं से बता दें, यहाँ मेरा पूरा घर है, बस जगल बगल में, इसीलिए सब कुछ जानते हैं यहाँ। मुकेश भाई आप लोग घर तरफ तो ऐसा पहाड़ नहीं है, देखें हम लोग इधर पहाड़े नहीं है। हाँ समझ, आप तो बिहार से है ना? उधर तो नहीं होगा, यूपी
दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पर, यहाँ पर ये है कटहल का पेड़, यहाँ पर छाया थोड़ा हवा खाने के लिए। हाँ हाँ, और ये पेड़ का भी खासियत है, इसका पत्ता कभी नहीं झड़ता है पूरा। हाँ, और हाँ, ये कटहल है, कटहल कटहर कटहर कटहर, हम लोग हम लोग अपना भाषा में बोलते कटहर, लेकिन उसका हिंदी में नाम है कटहल। कटहल, और यहाँ पर प्यारा सा एक बछड़ा खुटा हुआ है, देख सकते एकदम घास दिया गया है इसको मस्त एकदम। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय 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 बाय।